हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एसवी ऑर्डर नंबर 23/2022 के 23वीं एसवी ऑर्डर नंबर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और रिलीजिंग डेट थी उसकी 15 दिसंबर 2022 और सब्जेक्ट था पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी प्री मैच्योर और क्लोजर अमाउंट ऑफ एसवी पीपीएफ एनएसएस एसएससी अकाउंट्स इनटू अकाउंट होल्डर्स अकाउंट थ्रू ईसीएस आउटवर्ड क्रेडिट फैसिलिटी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का एसवी पीपीएफ एनएसएस और एसएससी अकाउंट था, मैच्योरिटी हो गई है उस अकाउंट की या प्रीमैच्योर रूप से क्लोज करवाया है या अन्य कारणों से क्लोज करवाया है, तो ईसीएस आउटवर्ड क्रेडिट फैसिलिटी का यूज करते हुए अकाउंट होल्डर का जो अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस संबंध में ये एसवी ऑर्डर था और इस संबंध में एसओपी, एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें सिंपली ये बताया जाता है कि कैसे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है एसओपी में कि किसी काम को या किसी नए रूल को कैसे करना है, उसके अकॉर्डिंग कैसे काम किया जाएगा, इस बारे में बताया हुआ होता है। तो ये जो एसवी ऑर्डर है 23/2022 ये कंटिन्यू करेगा किस एसवी ऑर्डर को, 9 नंबर के एसवी ऑर्डर को जो कि 2021 में रिलीज हुआ था। 30 अप्रैल 2021 को इसको रिलीज किया गया था, इसका कंटिन्यूशन है ये। और उसमें बताया गया था कि जो मैच्योरिटी प्री मैच्योर और इंटरेस्ट अमाउंट था उसे ईसीएस आउटवर्ड फैसिलिटी को यूज करते हुए एमआईएस एससीएसएस पीडी आरडी केवीपी एनएससी के जो अकाउंट से उनका पैसा ईसीएस आउटवर्ड क्रेडिट फैसिलिटी को यूज करते हुए ट्रांसफर कर दिया जाता था। लेकिन अब एसवी पीपीएफ एनएसएस एसएसए के अकाउंट्स का भी पैसा इस तरीके से जा सकता है। इन अकाउंट्स को एमआईएस एससीएसएस टीडीआरडी केवीपी एनएससी इनको बोला जाता है टीडीए टाइप के अकाउंट और एसवी पीपीएफ एनएसएस एसएसए अकाउंट को बोला जाएगा एसबीए टाइप अकाउंट्स। तो अब इस एसवी ऑर्डर से एसबीए टाइप के अकाउंट्स में भी ईसीएस आउटवर्ड क्रेडिट फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध है और इसके लिए जो नोडल ऑफिस चुनी गई है वो चुनी गई है चेन्नई जेपीओ और इस संबंध में जो एसओपी है वो भी आपको मिल जाएगी, यहाँ पर अटैच की गई है। और हमारे एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ यही चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड, ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।